السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم سار. السلام عليكم سار. وعليكم السلام. السلام عليكم سار. وعليكم السلام. السلام عليكم سار. السلام عليكم. السلام عليكم سار. السلام عليكم سار. وعليكم السلام. سار ليكم إكلاجوين. جي. السلام عليكم لازوتينا كم تفكوي होती हुई ये 11 बज गए 11 बज गए बिल्कुल 11 बज गए, कोई शक नहीं इसमें। सर हमारी क्लास शुरू होती है 10:50 को। माशाल्लाह आपको पता है बेटा है? मैं थोड़ा वॉशरूम था इसलिए टाइम लग गया। ओके सर। सर आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। घर में सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र। निकालो जिगर ये बुक निकालो। सर पेज नंबर क्या है? हाँ मुझे पूछ रहे हो, मैंने कल क्या बोला था? बच्चों को भी पता लग रहा होना चाहिए क्या? सर पेज नंबर 89 क्या है? सर पेज नंबर 89 सर पेज नंबर 91 निकालना है ना? पेज नंबर 81 पेज नंबर क्या 91 ओके शाबाश, आप अच्छे बच्चे हो। चलिए 91 चले जिगर। मसला ये है कि कल हमने आपको पढ़ाया था ये जो है साल के महीने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर पढ़ा था ना कल हमने? यस सर। तो ये देखो ये इसको क्या बोलते हैं पेज नंबर 90 में चलो आप 90 में पेज नंबर 90 में चलो। मैम चलो चलो अकेले बैठे बातें नहीं, अकेले बैठे बातें नहीं, आप इधर तवज्जो रखो। पेज नंबर 90 में चलो आप। 92 भी करना है? आप 90 में चलो ना, मैं दिखाता हूँ। सर मैंने निकाला 91 90 हमने किया है ना कल, कल हमने 90 किया है ना। आप क्या कर रही हो लड़की? चले पेज नंबर 90 जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है? फरवरी। हाँ चलो मैं आपका अपना वीडियो खोलूंगा आप देखिए। फरवरी मैं आपको दिखाऊंगा। ये आपकी बुक है? ये है बुक क्या है? देखो ये है, देखो कैमरे की तरफ देखो ना आप, नजर आ रहा है? यस सर। ये कल हमने किया है, किया है ना कल। चलो आप पे तो 91 पे चलो। चलिए बेटा मैंने किया है। देखो इन महीनों को सही तरतीब में लिखिए, यहाँ लिखा हुआ इन महीनों को सही तरतीब में लिखिए, ये आगे पीछे हुआ है। पहले हमें ये महीना लिखना है जनवरी, फिर ये लिखना है फरवरी, फिर ये लिखना है मार्च, फिर एक लिखना है क्या अप्रैल, फिर लिखना है जून, फिर लिखना है मई, फिर लिखना है मई के बाद कौन सा महीना आता है अगस्त, फिर लिखना सितंबर, उसके बाद
अक्टूबर उसके बाद नवंबर उसके बाद दिसंबर दिसंबर ये तर्तीब के साथ आपको क्या करना है तर्तीब के साथ लिखना है यहाँ आप वो कहाँ लिखेंगे देखो हरूफ अलग अलग करके अब नीचे चलो क्वेश्चन नंबर थ्री में हरूफ अलग अलग करके लिखिए देखो जनवरी लिखिए आप चलिए निकालिए पेंसिल होमवर्क कहीं करेंगे हम इसको क्या बोलते बुक वर्क जीम नून वाव रे या जनवरी लिखा आप क्या कर रहे हो बेटा आप क्यों नहीं लिख रहे हो सर मैंने लिखा जनवरी सर पेज नंबर क्या है पेज नंबर 91 उर्दू बुक लिखो उसके बाद मार्च नीम अलिफ रे जीम मार्च लिखा है नहीं ये तोड़ के लिखना है बेटा तोड़ के लिखना है सुनते क्या हो सर तोड़ के लिखा मैंने देखो शाबाश शाबाश मीम अलिफ रे ची मार्च उसके बाद नीचे चलो ये लाम खामोशी से सुनो बोल बातें मत करो खामोशी से सुनो उसके बाद फरवरी अस्सलाम वालेकुम सर आप लेट क्यों आते हो सर मैं अभी आई क्लास पे सर मुझे वो मैं बीमार थी इसलिए वो मैं परसों से बीमार इसलिए अब मैं आज ठीक हो गई चलो ठीक हो गई चलो पेज नंबर 91 निकालो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने देखा अब वो मैंने जून मार्च लिखा अब हमें तीसरा लिखना है शाबाश फरवरी फे रे वाव रे ये फरवरी उसके बाद लिखो ये जून का जीम नू वाव नून जून जुलाई का जीम वाव लाम ये हमजा जुलाई उसके बाद मई का लिखो मीम ये हमजा किसका जुलाई मई पहले आता है कि जुलाई आता है पहले मैं जो मई दिखा रहा हूँ आप जुलाई पर पहुंच गए हो पहले मई का सुनो बेटा मई का क्या है मीम ये हमजा मई अगस्त का क्या है अलिफ वाव सीन ए अगस्त सितंबर का लिखो सीन ता मीम बे रे सितंबर उसके बाद लिखो अक्टूबर का अलिफ काफ ता वाव बे रे क्या हुआ अक्टूबर उसके बाद लिखो नवंबर का नून वाव मीम बे रे नवंबर उसके बाद दिसंबर का दाल सीन मीम लिखो मीम बे रे क्या हुआ दिसंबर यू अंडरस्टैंड यस सर चलो जी अगर पेज नंबर 92 में चलो कहते हैं यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 महीनों के नाम उल्टी तरतीब से लिखिए उल्टी तरतीब से आपको लिखना है पहले आपको लिखना है क्या लिखना है पता है आपको उल्टा लिखना है पहले आपको लिखना है दिसंबर उसके बाद नवंबर उसके बाद अक्टूबर उसके बाद सितंबर उसके बाद अगस्त फिर जुलाई मैम सर जो इसके पहले है ना वो प्लीज पहले से दिखाइए आप लिखो दिसंबर मैम वो वाला ना सर जो इसके पहले आपने दिखाया कौन सा बताओ कौन सा किस महीने का मैम पहले से ना सर पहले से मैं अब आई क्लास में क्यों आए क्लास में पहले मुझे बताओ क्यों आए क्लास में अब
मैं कहा नजर वो मैं बीमार थी अभी दिखा रहा था ना बेटा मैं वो सर आप जल्दी जल्दी दिखा रहे थे प्लीज सर मैं लिख नहीं पाया आप जल्दी दिखा रहे थे कौन सा दिखाना है आप पहले से मैम आप सर आप दिखाइए मैं खुद लिखूंगी बस आप दिखाइए मैं खुद लिखूंगी चलो दिखा रहा हूँ लिखो नजर आ रहा है नजर आ रहा है यस सर मुझे आ रहा है नजर जल्दी जल्दी लिखो टाइम वेस्ट हो रहा है यस सर मैं जल्दी लिखूंगी सर दूसरा वाला दिखाइए देखिए ना आपकी तरफ आपकी वजह से दूसरे बच्चों को टाइम वेस्ट हो रहा है यस सॉरी सर तीसरे वाले को जी चौथे वाले को जी बाकी सबने लिखा बेटा मैम यहाँ पे सनावर का कैमरा आ रहा है मेरा कैमरा देखो ना आप वो दिख ही नहीं रहा तो सर पीछे वाला दिखाइए ना टाइम वेस्ट हो रहा कोई बात नहीं बेटा एक मिनट चलो आप क्या नाम है इसका आयत क्या आप ऐसे रखो इसको अब आगे चलो वो हम पढ़ेंगे उसके बाद जो टाइम बच गया तो मैं आपको लिखवा दूंगा इसके लिए जगह रखो आप खाने यस सर चलो हम आगे पढ़ते हैं चले बेटा कहाँ पहुंचे थे सर 92 पे नहीं क्या पढ़ा रहा था मैं आपको क्या बता रहा था महीनों के नाम उल्टी तरतीब से लिखिए महीनों के नाम चलो आयत लिखो ये दोबारा नहीं आप मुझे बोलना मुझे ये दोबारा दिखाओ लिखो दिसंबर नवंबर ये उल्टा लिखना आगे दिखाइए आया नजर यस सर लिखो जनवरी दिसंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर सर हाँ मैं सबको दिखा रहा हूँ ना आप लिखो जिसको नहीं जिसने नहीं लिखा वो भी लिखे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर लिख लिया मैंने तीन तो लिखे सर नीचे वाला दिखाइए चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना सर मैंने लिखा चलिए नीचे वाला देखो क्वेश्चन नंबर 5 हरूफ मिलाकर लिखिए हरूफ मिलाकर लिखिए देखो लिखो ये है मैंने दिखाया आपको लिखा लिखो जल्दी बेटा नजर आ रहा है कैमरा यस सर लिखो जिगर सर क्या हुआ अयान क्या कर रहे हो लिखो रुबान लिखो बेटा नजर आ रहा है आपको यस सर लिखो जिगर मियम रियाचीम सर वहां पे आयान का कैमरा रहा आप अपने कैमरा की तरफ रखिए आपका कैमरा नहीं आ रहा है
आ रहा है बनी से जल आ रहा है क्या आ रहा सर मैंने डबल टैप किया इसलिए सर लिखा वहां पे अपने बच्चों का कैमरा आ रहा है आपका बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कैसे हम लिखेंगे क्या बोल रही डबल टैप उनको जो नजर आ रहा है आपको क्यों नहीं नजर आ रहा है डबल टैप देख सकते हैं ये अपना कैमरा बीच में लाते हैं और खुद को देखते हैं बाकी बच्चों को पीछे रख देते हैं मैम सर थोड़ा ऊपर रखा ये अब बस इतना सर थोड़ा इधर बस बस यस सर ठीक है सर मैंने लिखा शाबाश लिखा हो गया यस सर मैंने लिखा सर मैंने आपने आयत यस सर यस सर मैंने लिखा लिखा यस सर हमने लिखा मुझे जिंदगी पानी एक रोटी यस सर मैंने भी लिखा चलो जिगर आप देखो अब क्या करेंगे हम अब हमें हमारा अटेंडेंस का टाइम आ गया ना आप अटेंडेंस करेंगे यस सर अपना कैमरा हाँ अपना कैमरा ऑन रखना और जो है माइक बंद रखो कैमरा ऑन रखो चलिए रोल नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ओके ओके 11 प्रेजेंट 12 प्रेजेंट 13 14 15 प्रेजेंट सर क्या रोल नंबर 14 रोल नंबर बोलो ना साथ हाँ 15 16 17 18 19 20 ओके बेटा 23 24 25 26 27 28 22 प्रेजेंट है 22 एब्सेंट है सर मुझे फोन आ रहा था मुझे फोन कर रहा था कोई चलो कोई बात मैंने लगा दिया प्रेजेंट 28 29 30 31 नाम क्या है रुबान रुबान जी 34 रुबान साहब 35 अकील साहब है ना प्रेजेंट सर 35 36
37 इज ओके। देखो अब आ रहा है कोई बच्चा, इसको मैंने एब्सेंट लगा दिया, इसको मैं अब रिमूव करूंगा। कल मैंने आपको बोला, इससे पहले बोला कि टाइम का ख्याल रखिएगा, टाइम पर आइएगा। बाद में जो बच्चा आता है ना, वो फिर पूरी क्लास को डिस्टर्ब करता है, सलाम करता है, फिर पूछता है कौन सा पेज निकालना है, कौन सा बुक निकालनी है, क्या करना जी। क्या बेटा सर, 36 प्रेजेंट है, 36 प्रेजेंट है। आप पूछ रहे हो, पहले कहाँ थे आप बताओ ना, अटेंडेंस के वक्त कहाँ थे आप, किस रोल का पूछ रहे हो आप? मैम सर मैंने किया प्रेजेंट। क्या रोल नंबर क्या है, रोल नंबर क्या है? 36। आप एब्सेंट हो, जब आप बोले नहीं तो मैं क्या करूं? जब आपका नाम बोला जाता है, रोल बोला जाता है, आप उस वक्त इधर उधर होते हो आपका दिमाग, बाद में आप बोलते हो ये एब्सेंट है, प्रेजेंट है। क्या नाम है आपका? व्हाट्स योर नेम? वॉशरूम। चलो ये 26 जो है ना, 26 कौन है ये? सर मैं जाऊं वॉशरूम। जाओ। शोर नहीं बेटा, शोर के बगैर बेटा, जो काम करना है शोर के बगैर करो। हाँ अभी आप बच्ची पूछ रही थी ना, आपका क्या रोल नंबर है? हेलो 26 है, 36 है, 36। आज मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, इसके बाद जब आपका अटेंडेंस होगा तो उस वक्त आप टाइम पर बोलोगे अटेंडेंस। ओके, आज मैं आपको प्रेजेंट लगा रहा हूँ, कल से ऐसा नहीं होगा। जब अटेंडेंस होगी तो सारे बच्चों की तवज्जो किसकी तरह होनी चाहिए? अटेंडेंस की तरह। ओके, यू अंडरस्टैंड? आपका नाम क्या है? 36 आपका रोल नंबर क्या, नाम क्या है? लीव किया। इसको अल्लाह हिदायत करे, इसको मैंने प्रेजेंट लगा दिया, और ये आपके लोगों के लिए भी इंफॉर्मेशन है। टाइम पर आओ, डिसिप्लिन से बैठो, गौर से सुनो, अटेंडेंस के वक्त आप मेंटली तौर प्रेजेंट रहो, दूसरे के रोल नंबर में अपना नाम ना बताएं, खुद ना बोलें, या अपना रोल नंबर का इंतजार करें, रोल नंबर आ जाए तो बोल दें। चलिए बेटा सुनो, आप सुनो बेटा, आप क्या करना, आपको आप जो मैंने आपको ये आज लेसन कंप्लीट हुआ है ना? यस सर। हेलो, जो मैंने आज तक पढ़ाया, आज पढ़ाया जो सारा, उसका घर में प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरीके से। कल हम इसको गिनती करेंगे, गिनती उर्दू में गिनती लिखना है आपको। ओके, कल मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखोगे आप, क्या करोगे। ओके सर, ओके सर। ये आयत निसार है ना, आयत निसार ये अब आई है क्लास में। आप क्लास हो गई खत्म, अभी आई, ये प्रेजेंट नहीं लगेगी। अस्सलाम वालेकुम, जनाब खैरियत है?
सर आप क्यों नहीं मुझे क्लास में इन कर रहे थे? सर आप क्यों नहीं मुझे क्लास में इन कर रहे थे? इसलिए नहीं कर रहा था, आप पता है आपको इस वक्त क्लास को खत्म होने में 10 मिनट बाकी हैं और आप आई हैं क्लास में, जो बच्चा लेट आएगा मैं उसको इन नहीं करूंगा। मैं कहता हूँ जो बच्चा एंड में आएगा उसको मैं इन नहीं करूंगा, मैंने बोला वो आप लोगों को पहले इन्फॉर्मेशन दी हुई, और जब क्लास खत्म होने वाली होती है तो आप आते हो। खाला जी का घर समझाए बेटा, इसलिए आज आप एब्सेंट लगी हो, आपको प्रेजेंट नहीं लगा है। मैंने इन इसलिए एंड में कर दिया, आपको दोबारा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि टाइम पर आइएगा। चलिए आज इतना ही, कल इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम। अल्लाह हाफिज।